तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, वैसा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मोस्ट मच अवेटेड शो एको आ चुका है, जिसको अभी रिव्यू करने वाले हैं। जो पूरा कैरेक्टर डिजाइन है किसका, इसकी मेन लीड एक्ट्रेस जो है माया। भाई शुरुआत करने से पहले एक चीज बताऊंगा, भाई जैसा ट्रेलर में दिखाया था वैसी आग पूरी सीरीज ने नहीं फाड़ी है, क्योंकि एक बार के लिए डेयर डेविल्स और द हॉकाई को एज कैमियो इस्तेमाल कर रखा है, जबकि ट्रेलर में उन्हें देखकर लग रहा था कि एज फेस ये लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनका बहुत ज़्यादा रोल भी होगा। और बहुत से लोग डेयर डेविल्स और क्या कहते हैं हॉकाई की वजह से इस सीरीज को देखेंगे भी, लेकिन वो चीज़ थोड़ा निराशाजनक देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर उनसे ज़्यादा रखोगे तब भाई पूरी सीरीज सिर्फ माया के ऊपर है। उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका कैरेक्टर डिजाइन कैसे हुआ, भाई एको पूरे शो को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इस शो यानी एको को अभी रिव्यू करने वाले हैं। क्या करेंगे पहले, इससे वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भाई सब सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के दम पर हम आगे चलते रहेंगे और ऐसी दमदार रिव्यू और इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। भाई एक्शन की कोई कमी नहीं है, हाँ पूरा शो सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है, दैट्स वाई कि इसे 16 प्लस की रेटिंग भी दी गई है। बाकी पूरी सीरीज कैरेक्टर डिजाइन पर है, खासकर माया को कैसे उसका कैरेक्टर या डिजाइन हुआ, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, उसके अंदर ये पावर कहाँ से आई, लाइक वो हीलिंग पावर, उसके बाद वो इतनी खूंखार कैसे बनी, क्योंकि उसके सरकमस्टेंसेस को मतलब जिस सरकमस्टेंसेस से जिन परिस्थितियों से वो गुजरी है वो सारी चीज़ें उसे ऐसा खूंखार बनने पर मजबूर कर देती हैं जिस हिसाब की वो लड़ते झगड़ते नज़र आई है। और एक बहुत ही दमदार मर्सिनरी कह सकते हैं आपको, एक ऐसा किल कैरेक्टर नज़र देखने को मिला है। देन उसके सामने ही उसकी माँ की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा उसे इफेक्ट करी थी। माया का उसके एंसेस्टर्स से क्या कनेक्शन था और वाई दीज सम ऑफ पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि कुछ नंगे पुंगे लोग हमें देखने को मिल रहे थे, जो एक बार के लिए उतने भी ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाए, क्योंकि कवर किया है भाई मार्वल की मूवीज में या फिर मार्वल की सीरीज में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में देख कर लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कवर किया है। देन वो अलग ट्राइब्स या फिर स्पीसीज कह लो उनसे शुरुआत करते हैं, और जब वो धरती पर आते हैं तो एक ह्यूमन का रूप ले लेते हैं, और जो उनकी पावर्स होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी फॉरवर्ड होते नज़र आती है, जो माया में भी हमें देखने को मिली है। देन उसके बाद इस सीरीज का सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव कंटेंट, भाई किंग पिन की एंट्री जब भी हुई मजा आ गया। मतलब एक टिपिकल मैच्योर कैरेक्टर जो एक टाइम के लिए ब्रूटल है, एक टाइम के लिए रूड है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर वो मैच्योरिटी है, वो समझ है जो वो एक बार के लिए फील करता है। लाइक अगर आप इसे थैनोस कैरेक्टर से अगर एक बार के लिए सिमिलरिटी देख लेते हैं या फिर मैचअप करने की कोशिश करते हैं, तो बस वैसा ही, क्योंकि एक बार के लिए ये जो किंग पिन है सो कॉल्ड फादर है किसका, माया का, और वहाँ उन दोनों बाप बेटी के बीच में जो एक रिलेशन देखने को मिला है, जो एक समझ देखने को मिली, देन दूसरी तरफ वो कंट्रोवर्सी देखने को मिली है, तो वो सारी चीज़ें भाई एक बार के लिए किंग पिन के कैरेक्टर ने दिल जीत लिया है। बहुत हद तक ब्रूटल भी है, मतलब एक बार के लिए अपनों की केयर भी करता है, लेकिन भाई साहब जब अपने पे आ जाती, जब दिमाग की सड़क जाती, तो अपनों को ही खात्मा कर देता है, और वो चीज़ फाड़ के नज़र आई है। दूसरा ये एक चीज़ नई देखने को मिली है मार्वल्स की तरफ से, कि उन्होंने मैच्योरिटी लेवल पर काफ़ी काम कर रखा है, मतलब अच्छा खासा फोकस कर रखा है, क्योंकि मार्वल की सीरीज में हम अधिकतर यही देखते थे, मार धाड़ हा हुल्ला एक्शन धमाका और मसाला, बस यही चीज़ है, क्योंकि बहुत सी इलॉजिकल चीज़ों के बेस पर इस सीरीज को या फिर मार्वल जो अपने कैरेक्टर्स हैं जो भी कहानी है उसको उठाता है, और बहुत सी चीज़ें वो इलॉजिकल होती हैं, लेकिन यहाँ पर एज इट इज मतलब जो कि ह्यूमन वाली लाइफ होती है उससे पूरा सिमिलरिटी बैठाने की कोशिश करी है, दैट्स वाई कि ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। देन उसके बाद व्हाट इज़ द सीरियस वर्क, मतलब जो मार्वल की तरफ से हमें इसमें देखने को मिला है कि व्हाट इज़ द सीरियस वर्क, टेक अ लुक ऑन इट, क्या समझे नहीं समझे, भाई साहब सारा चीज़ यही नहीं बताऊँगा, जाके सीरीज भी देखो, क्योंकि सारी चीज़ें बताने लायक भी नहीं होती हैं, वरना आपका स्पॉइलर हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि सीरीज भाई दमदार है, वन टाइम वॉचेबल तो है। बाकी नेगेटिव में मुझे एक ही चीज़ खराब लगी इसकी, कि क्लाइमेक्स में मज़ा नहीं आया। मतलब मार्वल नाम जुड़ा है, इसका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है, भाई मार्वल की क्लाइमेक्स अभी तक यादगार है, मतलब उनके प्रीवियस वर्क को देखें, लाइक एवेंजर्स ले लो, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ले लो, द एंड गेम ले लो, भाई उसके क्लाइमेक्स ऐसे फाड़ लेवल के हैं, जो वो फाड़ के रख देते हैं, जो आप सोच रहे हैं भाई वही फाड़ के रख देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्लाइमेक्स देखे हैं आपने 10 से 20 बार देख लिए होंगे, लेकिन जब भी आप देखोगे आपका मन करेगा कि एक बार क्यों ना देखा जाए, तो ऐसा क्लाइमेक्स हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वहाँ नहीं मिला, तो यही एक चीज़ थोड़ा खामियाजा या फिर कमी देखने को मिली है। बाकी वेब सीरीज शो जो भी कहो इसे दमदार है, 3.5 घंटे के आसपास का रन टाइम है, तो ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, अगर आपको
देखना है तो जाके जरूर देखो, वन टाइम वॉचेबल है, 16 प्लस की रेटिंग के साथ है, थोड़ा सा वल्गैरिटी कुछ भी नहीं मिलेगी, हाँ थोड़ा सा एडल्ट, मतलब वो ब्रूटैलिटी वाला सीन है, बस वही चीज़ एक एडल्ट के हिसाब से देखी जा रही है। बाकी सीरीज दमदार है भाई, दैट्स माई रिव्यू। आपने भी देख लिया तो आपका ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो नीचे कमेंट बॉक्स पर हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।